सिंकोना चाइना, कॉमन नेम पेरुवियन बार्क, फैमिली रूबिएसी। फॉर स्टाउट स्वार्थी पर्संस, सिंकोना या चाइना जो है वो स्टाउट मतलब ब्रेव, बोल्ड, स्वार्थी मैंने डार्क कॉम्प्लेक्सन, ऐसे पर्संस की मेडिसिन है। फॉर सिस्टम्स वंस रोबस्ट विच हैव बिकम डेबिलिटेटेड, ऐसे लोगों की मेडिसिन है जो कभी कोई स्ट्रांग एंड हेल्दी थे, जो डेबिलिटेट हो गए यानी बहुत ही वीक स्टेट में चले गए, वीकेंड हो गए। ब्रोकन डाउन फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस होने की वजह से, फ्लूइड डिस्चार्ज होने की वजह से, डायरिया होने की वजह से एग्जॉस्ट हो गए, ब्रोकन डाउन हो गए, टूट गए। एपैथेटिक, इंडिफरेंट, टैसिटर्न। एपैथेटिक मीन्स जिसको किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना हो, एंथुसियाज्म ना हो। इंडिफरेंट मतलब डिटैच्ड, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टैसिटर्न मतलब जो शांत रहते हो, कम्युनिकेट नहीं करते। तो अनकम्युनिकेटिव फॉस्फोरिक एसिड में भी देखने को मिलता है। डिस्पोंडेंट यानी लॉस ऑफ होप, उम्मीद नहीं रही जिनको। ग्लूमी, ग्लूमी मैंने डिप्रेस्ड, हैज़ नो डिज़ायर टू लिव, जिंदा रहने की इच्छा ही नहीं है। बट लैक्स करेज टू कमिट सुसाइड, लेकिन सुइसाइड करने के लिए करेज नहीं है। एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स स्पेशली हेमरेजेस, एलिमेंट्स किसकी वजह से हैं? लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से, स्पेशली हेमरेज यानी ब्लीडिंग होने की वजह से। एक्सेसिव लैक्टेशन, बहुत ज़्यादा बच्चा दूध पी रहा है उसकी वजह से, लैक्टेशन की वजह से, डायरिया की वजह से, सेपरेशन की वजह से, पस निकल रहा है तो। चिनिनम सल्फ में भी ऐसा देखने को मिलता है। ऑफ मलेरियल ऑरिजिन, ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑरिजिन मलेरिया रहा हो, विद मार्क्ड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब है कोई भी कंडीशन, कोई भी एलिमेंट जो बार बार रिटर्न होता हो एक टाइम के बाद। रिटर्न एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन वापस हो जाता हो, वैसी कंडीशन रिपीट होती हो। आफ्टर क्लाइमेक्ट्रिक विद प्रोफ्यूज हेमरेजेस, क्लाइमेक्ट्रिक का मतलब होता है मीनोपॉज। मीनोपॉज के बाद बहुत ज़्यादा हेमरेज होना, ब्लीडिंग होना। एक्यूट डिजीजेज ऑफन रिजल्ट इन ड्रॉपसी, एक्यूट डिजीजेज जिनमें अक्सर एडिमा होने की टेंडेंसी हो। पेन्स ड्राइंग और टीयरिंग इन एवरी ज्वाइंट ऑल द बोन्स, इसमें दर्द कैसा होता है? ड्राइंग मतलब खिंचाव का दर्द है, टीयरिंग मतलब इंटेंस पेन, ऐसे दर्द हो रहा है जैसे मतलब बींग टॉर्न, फाड़ दिया गया हो, ऐसा पेन होता है। सोर इन एवरी ज्वाइंट, हर एक ज्वाइंट में ऐसा पेन होता है, ऑल द बोन्स सभी हड्डियों में पेन होता है। पेरिस्टियम, पेरिस्टियम कहते हैं बोन की सरफेस को। पेरिस्टियम एज इफ स्ट्रेन्ड, बोन की सरफेस जैसे बहुत ज़्यादा थक गई हो, एक्सट्रीम टायर्डनेस। सोर ऑल ओवर, पूरे में दुख रहा है। ऑब्लाइज्ड टू मूव लिम्स फ्रीक्वेंटली, और हाथ पैर को जो है वो जल्दी जल्दी मूव करेगा, चलाएगा। ऑब्लाइज टू मूव क्यों? क्योंकि एज मोशन गिव्स रिलीफ, मोशन से उसको आराम मिलता है। रीन्यूड बाई कंटैक्ट, लेकिन छूने से फिर से जो प्रॉब्लम है वो रीन्यू हो जाती है, जो पेन है वो रीन्यू हो जाता है। एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज टू अ ग्रेट हाइट, और फिर वो धीरे 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 फिर बढ़ता है। हेडेक एज इफ द स्कल वुड बर्स्ट, हेडेक ऐसे होता है जैसे सर फट जाएगा। इंटेंस थ्रॉबिंग ऑफ हेड एंड कैरोटिड्स, हेड और कैरोटिड में बहुत ज़्यादा जो है वो थ्रॉबिंग होती है, पल्सेटिंग होता है, जिसको साधारण भाषा बोलते हैं सर तपकना। फेस फ्लश्ड, फेस में ऐसे मतलब रेडनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसे लगता है ब्लड इकट्ठा हो गया, फ्लूइड इकट्ठा हो गया। फ्रॉम ऑसिपट ओवर होल हेड, हेडेक कहाँ से होता है? ऑसिपट से स्टार्ट होता है और फिर पूरे हेड में आ जाता है। एग्रवेशन सिटिंग और लाइंग, बैठने से लेटने से एग्रवेशन होता है। मस्ट स्टैंड और वॉक, तो पेशेंट को आराम कब मिलेगा? जब वो खड़ा होगा, जब वो टहलेगा। हेडेक आफ्टर हेमरेज और सेक्सुअल एक्सेस, ब्लीडिंग के बाद हेडेक होना, सेक्सुअल एक्सेस के बाद हेडेक होना। फेस पेल हिपोक्रेटिक, फेस कैसा होता है? पीला होता है, हिपोक्रेटिक। हिपोक्रेटिक फेस एक मार्क्ड फेशियल एक्सप्रेशन है, जो जिसमें ऐसे जैसे कोई पर्सन बिल्कुल अप्रोचिंग डेथ है और कोई भी उसके पास जाता है तो वो कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ देख रहा होता है। शैलो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हिपोक्रेटिक फेस कहा गया।
आईज संकेन एंड सराउंडेड बाई ब्लू मार्जिन्स, आँखें जो है वो गड्ढे में चली जाती हैं, उनके चारों तरफ ब्लू मार्जिन्स होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टेंशन या फ्लूइड डिस्चार्ज ज़्यादा होने की वजह से. पेल सिकली एक्सप्रेशन आफ्टर एक्सेसेस, पीला पड़ जाता है फेस, और वैसा सिकली एक्सप्रेशन माने क्रोनिक डिजीज़ के बाद जो एक्सप्रेशन आता है वैसा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है आफ्टर एक्सेसेस, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार रहने की वजह से या बॉडी फ्लूइड्स के निकल जाने की वजह से. टूथेक वाइल नर्सिंग द चाइल्ड, बच्चे को दूध पिलाते समय दांत में दर्द होता है. एक्सेसिव फ्लैचुलेंस ऑफ स्टमक एंड बॉबल्स, बहुत ज़्यादा गैस पास होती है स्टमक से बॉबल्स से. फर्मेंटेशन, ऐसा लगता है जैसे पेट में फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया हो. बॉर्बोरिगमनस, बॉर्बोरिगमनस का मतलब होता है रंबलिंग या गर्गलिंग नॉइज, वो पेट में बार बार गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है. बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ, डकार आती है लेकिन उससे कोई आराम नहीं होता. बेल्चिंग रिलीव्स देन कार्बोवेज, बेल्चिंग अगर आराम करता है तो कार्बोवेज इंडिकेट होता है. एग्रवेशन आफ्टर ईटिंग फ्रूट, फ्रूट खाने के बाद जो है वो एग्रवेशन हो जाता है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ऐसा पल्सेटिला में भी देखने को मिलता है. कोलिक एट अ सर्टेन आवर ईच डे, कोलिक मतलब एब्डोमेन में पेन होना, एब्डोमिनल पेन, और एक सर्टेन आवर पे होता है डेली, पीरियडिकल मतलब ये रिपीट होता है. फ्रॉम गाल स्टोन्स, कोलिक किसकी वजह से, गाल स्टोन्स की वजह से. ऐसे ही सिम्टम गाल स्टोन्स का कोलिक जो है वो कार्डस मैरियानस में भी देखने को मिलता है. वर्स एट नाइट एंड आफ्टर ईटिंग, कोलिक जो है वो रात में बढ़ता है, खाना खाने के बाद बढ़ता है. बेटर बेंडिंग डबल, हार्ड प्रेशर अप्लाई करना या आगे की तरफ फोल्ड हो जाना, तो उससे इसमें आराम हो जाता है. कोलोसिंथ में भी ऐसा देखने को मिलता है. ग्रेट डेबिलिटी, ट्रेम्बलिंग, एवर्जन टू एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है. ट्रेम्बलिंग मतलब शरीर कांपता है, शिवरिंग होती है, शेकिंग होती है. एवर्जन टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है बिल्कुल. सेंसिटिव टू टच, छूने के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. टू पेन्स, टू ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, पेन्स, पेन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. हवा का झोंका लग जाए उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है. एंटायर नर्वस सिस्टम एक्सट्रीमली सेंसिटिव, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है. अनरिफ्रेशिंग स्लीप और कॉन्स्टेंट सोपोर, मतलब जब उठते हैं तो सो के उठे तो फिर भी फीलिंग आ रही, नींद सी आती रहती है, रिफ्रेश महसूस नहीं करते. या फिर कॉन्स्टेंट सोपोर, सोपोर कहने का मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें ड्राउजीनेस या स्लीपीनेस की कंडीशन हो के नींद आती रहती है. एग्रवेशन आफ्टर 3 AM, सुबह में 3 बजे के बाद दिक्कत बढ़ती है. वेकेंस अर्ली, सिंकोना या चाइना का पेशेंट जो है वो जल्दी उठ जाता है लेकिन वो अनरिफ्रेशनिंग स्लीप रहती है, कॉन्स्टेंट उसको नींद आती रहती है पूरे टाइम. हेमरेजेस ऑफ माउथ, नोज, बॉबल्स और यूट्रस, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग होना कहाँ से, माउथ से, नोज से, बॉबल्स से, यूट्रस से. लॉन्ग कंटिन्यूड, लंबे समय तक कंटिन्यूड हेमरेज होना, ब्लीडिंग होना. लॉन्गिंग फॉर सोर थिंग्स, खट्टी चीज़ें खाने का मन करना. डिस्पोजिशन टू हेमरेज फ्रॉम एवरी ऑरिफिस ऑफ द बॉडी, बॉडी की हर एक ऑरिफिस से हेमरेज होने की टेंडेंसी होती है. विद रिंगिंग इन ईयर्स, कानों में घंटी बजती है. फेंटनिंग, द पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है. लॉस ऑफ साइट, दिखाई नहीं देता. जनरल कोल्डनेस, समटाइम्स कन्वल्जेंस, बॉडी जो है वो ठंडी पड़ जाती है और कभी कभी कन्वल्जेंस भी आते हैं इसके साथ साथ. ऐसा फेरम में और फॉस्फोरस में देखने को मिलता है. पेन्स आर एग्रेवेटेड बाई स्लाइटेस्ट टच बट एम्बुलरेटेड बाई हार्ड प्रेशर, पेन जो है वो हल्का सा टच करने से एग्रेवेट हो जाता है लेकिन हार्ड प्रेशर से आराम मिलता है, ऐसा कैप्सिकम और प्लम्बम में देखने को मिलता है. वन हैंड आइसी कोल्ड द अदर वार्म, एक हाथ बर्फ जैसा ठंडा होता है और दूसरा गर्म होता है, ऐसा डिजिटलिस में, एपिकाक में और पल्सेटिला में देखने को मिलता है. इंटरमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट मतलब जो इरेगुलर इंटरवल्स पे होता हो ऐसा फीवर होता है. पेरियोक्सिज्म एंटिसिपेट्स फ्रॉम 2 or 3 hours ईच अटैक, पेरियोक्सिज्म का मतलब होता है सडन रीअकरेंस या इंटेंसिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स, यानी हर एक 2-3 घंटे बाद जो है वो बुखार आ जाता है, ऐसा चिनिनम सल्फ में भी देखने को मिलता है.
रिटर्न्स एवरी 7 or 14 days, हर एक 7 से 14 दिन के बाद रिपीट होता है. निवर एट नाइट, जो फीवर है कभी रात में नहीं आता. रात के फीवर में कभी चाइना इंडिकेट नहीं होगा, वहाँ दूसरी मेडिसिन है. स्वेट्स प्रोफ्यूजली ऑल ओवर ऑन बींग कवर्ड, और जैसे ही कवर करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना होता है, पूरे शरीर में पसीना होता है. और ड्यूरिंग स्लीप या सोते समय स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा कोनियम में भी देखने को मिलता है. रिलेशंस की बात करें, सो कॉम्प्लीमेंट्री टू फेरम, चाइना जो है वो फेरम का कॉम्प्लीमेंट्री है. फॉलो इज वेल कैल्क्रिया फॉस इन हाइड्रोसिफेलाइड. हाइड्रोसिफेलाइड एक कंडीशन है जिसमें ब्रेन की कैविटीज़ में जो आपका CSF है वो भर जाता है, बढ़ जाता है. तो कैल्क्रिया फॉस को ये हाइड्रोसिफेलाइड की कंडीशन में फॉलो वेल करता है. कंपेयर चिनिनम सल्फ इन इंटरमीटेंट फीवर एंटीसिपेटिंग टाइप. एंटीसिपेटिंग टाइप कहने का मतलब एंटीसिपेटिंग मीन्स सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड फीवर आने वाला है, तो वहाँ पर चिनिनम सल्फ और सिंकोना को इंटरमीटेंट फीवर में कंपेयर किया जाता है. इनकम्पेटिबल आफ्टर डिजिटलिस एंड सेलेनियम. सेलेनियम और डिजिटलिस के बाद सिंकोना या चाइना नहीं देना चाहिए, ये इनकम्पेटिबल होता है. इज यूजफुल इन बैड इफेक्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव टी ड्रिंकिंग. चाइना बहुत ज़्यादा कोई पर्सन चाय पीता है, उसकी वजह से उसको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे दे सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छा यूज़फुल है. और एब्यूज़ ऑफ कैमोमिल टी. कैमोमिल टी एक टाइप की ग्रीन टी है जिसमें कैमोमिल फ्लावर का यूज़ किया जाता है, तो ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो दिक्कतें अराइज होती हैं उसमें आप चाइना दे सकते हैं. व्हेन हेमरेज रिजल्ट्स, जब एब्यूज़ ऑफ कैमोमिल टी की वजह से ब्लीडिंग हो रहा हो तो चाइना इंडिकेटेड होती है, सिंकोना इंडिकेटेड होती है. एग्रवेशन की बात करें, फ्रॉम स्लाइटेस्ट एज, हल्का सा भी छूने से एग्रवेशन है. ड्राफ्ट ऑफ एयर, हवा के झोंके से एग्रवेशन है. एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन एग्रवेशन देखने को मिलता है. एग्रवेशन फ्रॉम मेंटल इमोशंस, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स. मेंटल इमोशंस से एग्रवेशन है, वाइटल फ्लूइड के लॉस से एग्रवेशन है. एम्लूरेशन, हार्ड प्रेशर, बेंडिंग डबल. एम्लूरेशन हार्ड प्रेशर से और बेंडिंग डबल से. बेंडिंग डबल मतलब बीच से फोल्ड हो जाना, पेट और पैर एक साथ, मतलब धड़ और पैर एक साथ फोल्ड करके जो है वो बेंडिंग डबल फोल्ड हो जाने से आराम मिलता है, इसमें हार्ट प्रेशर से आराम मिलता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट द टॉपिक्स यू वांट मी टू एक्सप्लेन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन होम्योपैथी.